कक्षा 12 की छात्राओं, इसके पहले हमने आपको चंद्राकुल कथा का 3 अंश पढ़ाया था और आज हम आगे आपको अग्रांधी कंच की समागत से लेकर अवाद तक पढ़ाने जा रहे हैं। इस गद्यांश में आप इस गद्यांश का हिंदी अर्थ समझिए और इसके पश्चात उससे संबंधित जो प्रश्न हैं आप ब्लैकबोर्ड पे लिखे हुए हैं इसे आप नोट करें और पढ़ें। आगे देखिए क्या है अक्रांतरी कंच की समागत महाशिवतार हो। इसके पश्चात कंच की आकर महाशिवतार से कहती है कि देवी चित्रा देवी अश्वती देव चित्रा देवी च मुखिरा काम दृष्टि महाय। इसके कंच की आकर महाशिवतार से कहती है कि देवी महाराज चित्रा और देवी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रहे हैं। इतव अभिता बंधु कामा महाश्वता सखी चंदा किया पहुँचता। ऐसा करने पर वहाँ जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा सखी चंद्रा भी कहाँ पहुँचता मैंने कहाँ रहेंगे सखी चंद्रा भी कहाँ रहेंगे कादम्बरी अपृछत इति कादम्बरी ने कहा सखी ऐसा क्यों कह रही हो सखी महाश्वेते कि विधा से सखी महाश्वेता ऐसा आप क्यों बोल रही है दर्शना धारण शरीर आप प्रभु की भवन से विभस परिजन से चमा के रोचते प्रिय सखी हृदय अयम आस्था। कादम्बरी ने कहा सखी ऐसा क्यों कह रही हो जब से मैंने इन्हें देखा है दर्शना आरंभ शरीर आपसे जब से मैंने इन्हें देखा है तब से यह मेरे शरीर के स्वामी बन गए हैं और फिर घर वैभव और परिजनों की तो बात ही क्या है प्रिय सखी वहाँ जहाँ इन्हें अच्छा लगे वह वहाँ पर रहें ऐसा कादम्बरी कहती है। तत्सुत्वा महाश्वेता इसकी कादम्बरी की बातों को सुनकर महाश्वेता कहती है तत्र तब प्रसाद समीप वर्तना प्रमदवने क्रीड़ा पर्वत मणिवेशम आस्था। यह सुनकर महाश्वेता कहती है कि तुम्हारे महल के समीप जो प्रमद वन में बने हैं क्रीड़ा पर्वत के मणि मंदिर में रहेंगे। तुम्हारे महल के पास जो प्रमद वन है उसमें जो क्रीड़ा पर्वत पर मणि मंदिर बना है वो इसमें रहेंगे। इसके बाद ऐसा कहकर महाश्वेता एकदार गंधर्व दृष्टिमय ऐसा कहकर महाश्वेता गंधर्व राज को देखने चली जाती है। चंद्र की तत्व से निर्गत के उड़ेण उद्देश्य माना मणि मंदिर मगा चंद्राफी भी उसी के साथ निकलकर केरूरक द्वारा बताए गए मार्ग से मंदिर में चला गया। केरूरक द्वारा बताए गए मार्ग